是的。ये पहले तो मैं आप सबसे देखने वाले चैनल में अस्सलाम के तौर तरीके से अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह वबरकातुहु अस्सलाम। और जब हाजिरी की बात है तो वो एक नूर की बात है। जब आदमी नूर की नज़र से देखता है तो सामने जो भी जिस्म होता है उसमें जो भी हलचल होती है वो हलचल ज़ाहिर हो जाती है। साहब वो कोई दरगाह पे कोई छिल्ला अक्सर बुजुर्गों पे ये होता है, बुजुर्गों पे ऐसा ख्याल है कि एक छिल्ले की रस्म रिवाज होता है, कोई 7 दिन 6 दिन 11 दिन 6 दिन बाद है। वो छिल्ले का मकसद ये है कि उस दिन कितने दिन हाजिरी दे रहा है। जब उतने दिन हाजिरी वो देता है बुजुर्गों के दरबार में तो बुजुर्ग लोग उन पर कर्म करते हैं। और हम जैसे बुजुर्ग लोग आते हैं बड़े शहाब के मज़ार से तो उनके छिलने की ज़रूरत नहीं होती, अक्सर बखुद छिला बन जाता, अक्सर बखुद ज़ाहिर हो जाता है। साहब अभी हाथ में किसके? मेरा तरीका अल्हम्दुलिल्लाह ये है, मैं 11 साल की उम्र से काम कर रहा हूँ और सबसे बड़ा फैजान मेरे हमारे बुजुर्ग का है, हमारे दादा बुजुर्ग का है। और दूसरा फैजान जो है मेरी नमाज के अता का है और सबसे बड़ा फैजान दरूदोसलाम का है। दरूदोसलाम से लोगों का इलाज करता हूँ और लोगों को अता करता हूँ तो वो फिर जो है जोगी जयपाल जैसे अब्दुल्ला बन जाते हैं। इरफान है हमारे, इरफानिया हैदराबाद में सफर करते हैं, हमारे लिए इनके भाई हैं डॉक्टर साहब, ये भी इनके भाई हैं डॉक्टर साहब। और ये बच्चे सब अजीब है, ये यहाँ हमारी खानका है और खानका में सम्मत करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये बच्चे भी किसी को हाथ नहीं लगाते, ना लींबू ना नारियल ना अंडा ना झंडा ना गंडा, हमारे पास तो सिर्फ दरुद का झंडा है। हम कहते हैं तुम्हारे दिल के तार को अताए रसूल के जरिए हुजूर से जोड़ लो, खुद खुद अच्छा हो जाएगा। साहेब आप कौन से सिलसिले से? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे तो मैं हूँ पैदाइशी कादरी और मेरे चिश्तियाँ मुझे जान खिलाया गया और अल्लाह का शुक्र है कि मुझे 18 खिलाफते हैं। सुभान अल्लाह। साहेब अब किसी के ऊपर हाजिरी है साहेब, वो हाजिरी चले गई वो खुद ब खुद जो है वो औरत है या आदमी है वो कहता है महसूस करता है कि मेरा जिस्म हल्का फुल्का हो गया। इसके जो असरात होते हैं जैसे कि भाई सर दर्द होना, पेट दर्द होना, कमर दर्द होना, घर में चिड़चिड़ा रहना, वो सारी शिकायतें ख़त्म हो जाती है, नॉर्मल हो जाती है, चाहे औरत हो बेटी हो माँ हो और चाहे लड़का हो आदमी हो, ऑटोमेटिक घर वाले खुश हो जाते हैं कि इसको अच्छा हो गया। खेत करने वाले अलग होते हैं, मैंने अभी पहले बताया वो अंडे वाले वो नींबू पानी वाले, अल्लाह इनको भी हिदायत दे तौफीक दे। और हम जैसे लोगों की बात अलग है, वो इसलिए है कि हम शरीयत के लिहाज शरीयत को मद्देनज़र रखते हुए ये काम करें। उसके चेहरे से नकाब नहीं उठा और कोई पराया आदमी उसको हाथ नहीं लगाया, तो वो उसके लिए है कि वो हद बांध देते हैं, बंद कर देते हैं, बॉटल में उठा लेते हैं, यहाँ तो सीधा कत्ल कर दिया जाता है, फिर से कभी हो ही नहीं है कभी। तो कितने दिन रहेगा? मैं बस कल का आखिरी दिन है, मैं आता हूँ तो बहुत ही हमारे इरफान भाई और डॉक्टर साहब दोनों भाई और दूसरे भाइयों के कहने से और ये जितने भी बच्चे हमारे हैं शर्मत गुजार मुझे बहुत ही जान से चाहते हैं तो मैं थोड़ा सा वक्त दे पाता हूँ। आज 4 दिन हो जाएंगे, कल आखिरी दिन है, कल भी इंशाल्लाह कभी बयान भी हो जाएगा, कल थोड़ा मुख्तसर और इलाज भी हो जाएगा। साहब आपकी रिहाइश का इनके पास एक छोटा सा गांव है दोहराए, दरगाह शरीफ से सिर्फ 5 किलोमीटर है, वहाँ पर खानका भी है, रहने की जो है अच्छी सी सहूलियत भी है और हर मुरीद हैदराबाद से बहुत सारे लोग यहाँ आए हैं, वहाँ भी आए हैं, हर मुरीद वहाँ पर भी आता है तो फी सभी ले ला रहे, कोई कमरे का किराया नहीं लगता। मेरे पास सिर्फ यही फीद है, यही हदिया है और मेरी यही नसीहत है आप लोगों को कि दरूद व सलाम पढ़ो, नमाज पढ़ो, अपने माँ बाप की खदमत करो, इसके हुकूम हो जाओ बिल्कुल। और मेरा सुबह तक जो है चलता रहेगा प्रोग्राम, हर एक को खुश करके हर एक से मिलकर उसकी दिल की तमन्ना सुनकर उसके दुखों को दूर करके जाऊँगा।